नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज़। ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ ने बताए सिंगल होने के फायदे। नेहा कक्कड़ अपने वैलेंटाइन स्पेशल सॉन्ग्स को लेकर चर्चा में है। उनके भाई टोनी कक्कड़ ने कुछ नाम का म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है, जो कि नेहा और प्रियांक शर्मा पर फिल्माया गया है। सिंगर नेहा कक्कड़ का पिछले दिनों बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली के संग ब्रेकअप हुआ है। रिश्ता टूटने के बाद खुद को संभालने में बिजी हैं। नेहा खुद को बिजी रख रही हैं। हाल ही में नेहा ने इंस्टा स्टोरी पर सिंगल होने के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है, सिंगल होने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप समय पर सो सकते हैं। नेहा ने ब्रेकअप के बाद कंफर्म किया था कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है। उन्होंने लिखा कि हाँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। दुनिया के सभी नेगेटिव लोगों का शुक्रिया, आप सभी ने मुझे बुरे दिन दिखाने में कामयाब हासिल की। बधाई हो, आप सफल हुए। आगे उन्होंने लिखा, मैं ये साफ कर सकती हूँ कि एक दो लोगों की वजह से नहीं बल्कि दुनिया की वजह से हुआ, जो मुझे मेरी पर्सनल लाइफ नहीं जीने दे रहे। जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो लोग मुझे मेरे बिना जाने मेरे बारे में भला बुरा कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे खुश रहने दें। बाद में नेहा कक्कड़ के फैंस को बहुत निराशा हुई जब उनका ब्रेकअप हुआ। दोनों ने साथ में एक म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ किया था। इंडियन आइडल के सेट पर हिमांश कोहली आए थे, फिर कपल ने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी। ब्रेकअप के बाद इंटरव्यू में नेहा ने हिमांश के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, कौन हिमांश, आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं किसी हिमांश नाम के व्यक्ति को नहीं जानती। नेहा के लिए इस गम से निकलना काफ़ी मुश्किल रहा। आलम यह था कि एक लाइव शो के दौरान अपने ब्रेकअप को याद करके वो रो पड़ी थी। इन दिनों सिंगर अपने वैलेंटाइन सॉन्ग को लेकर चर्चा में हैं। उनके भाई टोनी कक्कड़ ने कुछ नाम का एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया है। ये गाना नेहा और प्रियांक शर्मा पर फिल्माया गया है। कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।